अनलॉक 1.0 के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन यूपी के प्रयागराज में लोग इतने उत्साहित हो गए कि सीधे हनुमान मंदिर पहुंच गए और सुंदरकांड का पाठ करने लगे। प्रयागराज में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ करने लगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस 1 जून से लागू होनी है और मंदिर मस्जिद समेत तमाम तरह के धार्मिक स्थल तो 8 जून से खुलने हैं, लेकिन करीब 2.5 महीने से घरों में कैद लोग इतने उत्साहित हुए कि मंदिर पहुंच गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि मंदिर में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया, पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने मंदिर मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए 8 जून की तारीख तय की है। काफी दिनों से पूजा पाठ नहीं हो रहा था, हम यहाँ पत्रकारपुरम में हमारे भी मंदिर पर यहाँ भी पूजा पाठ नहीं हो रहा था। जैसे ही जानकारी हुई, सभी महिलाएं हम सभी लोग मंदिर पर आकर पूजा पाठ शुरू किए। आज से अनलॉक 1 की जब से घोषणा हुई है, एक उत्सव का माहौल हो गया है। महिलाएं पुरुष जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं और एक उत्सव का माहौल। जैसे ही पता चला कि 1 जून से 30 जून तक लॉक 1 हो जाएगा और एक तरह से पूरा लोग स्वतंत्र हो गए, तो यहाँ मंदिर पर पिछले 3 महीने से शनिवार को सुंदरकांड नहीं हो पा रहा था। जैसे ही सूचना मिली, सभी महिलाएं कॉलोनी की जुटकर, पत्रकारपुरम कॉलोनी की जुटकर सुंदर पाठ की और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और यहाँ पे गाना बजाना